अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम रिजवी साहब से राजनीतिक तौर पर कई सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसे हम जारी रखे हुए हैं और आगे फिर से दोबारा हम ब्रेक के बाद इसे हम जारी कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसे लेकर ऐसे कौन से कदम है जिसे उठाने की जरूरत है। रिजवी साहब, अगर देखा जाए तो आप जो भारतीय छात्र संसद जो एक संस्था है उसके आप मार्गदर्शक हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के मसले पर अगर हम बात करें, क्योंकि युवाओं का एक मामला है जिस तरीके से कश्मीर में युवाओं के हाथों में पत्थर देखने को मिलता है, जिस तरीके से वो वहाँ के सेनाओं पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं ये मुल्क के लिए काफी चिंता का विषय है। तो आप इस संगठन के जरिए आप हमें बताएं कि किस तरीके से उन भटके हुए युवाओं को किस तरीके से एक मार्गदर्शक दर्शन जो है वो दिया जा सकता है, किस तरीके से उन्हें एक नई दिशा जो है वो दी जा सकती है। देखिए, ऐसा है, भारतीय छात्र संसद, इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट, ये कल्पना हमारे भाई राहुल करात की थी, जो हम हंस के छोटे करात साहब कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है पूना में, MIT के नाम से, बड़ा मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है और देश के अच्छे संस्थाओं में उसका नाम है। अभी अभी सरकार ने उसे यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी होने की इजाज़त दी है। सो उनका नाम भी बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है कि जो कश्मीरी जवान हैं, अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और हमारे लिए एक एसेट हो सकते हैं। और भारतीय छात्र संसद की कोशिश है कि वहाँ मौजूद तमाम यूनिवर्सिटियों तक इस बात को पहुँचाएँ और वो बच्चे जिनके दिमाग में इल्म होगा वो कभी शैतान के पीछे नहीं जाएंगे। यकीन जानिए, जब ग़िज़ा से पेट खाली हो जाए और इल्म से जहन खाली हो जाए तो इंसान बम फोड़ता है, बंदूक उठाता है, कुछ भी करता है, क्योंकि वो फिर किसी दूसरे का मोहरा बन जाता है। तो कोशिश ये है भारतीय छात्र संसद के तले कि हर छात्र तक ये आवाज़ पहुँचे कि तुम छात्र हो, और छात्र का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करे, ताकि उसी वतन अजीज़ से उसे पढ़ के आगे बढ़ना है और उसी वतन अजीज़ की उसे खिदमत करना है। इंडिया सरकार स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दे रहा है, एजुकेशन की अगर हम बात करें, रोजगार की अगर हम बात करें, लगातार इंडिया सरकार वो दावे करती है इन सब चीज़ों को लेकर, स्पेशली क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अहम मुद्दा है। अगर हम इससे जोड़कर अगर हम देखें, आपके संगठन के ज़रिए क्या राय देना चाहेंगे, क्या लगता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के मामलात में ख़ास तौर पर जो यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो यूथ को अट्रैक्ट करे अपने प्रोग्रामों के ज़रिए से। अभी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार वहाँ इतना कामयाब है आवाम तक पहुँचने में, मगर जो लोग कामयाब हैं आवाम तक पहुँचने में, सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को मैदान में लाए। देखिए, दो लोग जब लड़ते हैं तो तीसरा उनमें सुलह कराता है, वो तीसरा उनसे अलग नहीं होता, क्योंकि अगर दो इंसान लड़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई घोड़ा आके या कोई गधा आके उनके बीच में सुलह कराए। वो जो सुलह करा रहा है वो इंसान ही होता है जो उनके बीच में आके। तो मुझे लगता है कि सियासत को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर की आवाम और कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हैं। इन्हें बिल्कुल वैसे ही नहीं संभाला जा सकता जैसे सियासत में के एक लकड़ी से सभी को हांक रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। बहुत ही खुलूस के साथ और खुसूस के साथ इस काम को देखना चाहिए, और मेरी राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो खुद इस बात को समझती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मगर हम तो यहाँ से दिल्ली बैठ के जो श्रीनगर देख रहे हैं, श्रीनगर में रह के नहीं, दिल्ली बैठ के जो वादी को देख रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा, जहाँ आग लगी हो वहाँ कम से कम अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पानी से अगर ना बुझा पाएँ
और पानी से कोई और वहाँ बुझा रहा है, तो कम से कम हम ज़बान से ऐसे अल्फाज ज़रूर निकालें कि इस प्रोग्राम के देखने वाले अगर किसी कश्मीरी जवान को ये आवाज़ सुनाई दे तो वो ये यकीन रखें कि दिल्ली का हर ज़िंदा इंसान, हिंदुस्तान का हर ज़िंदा इंसान उनकी ज़िंदगी और उनकी तकलीफ़ पर नज़र रखे हुए है। अगर हम आतंकवाद की बात करें, जितना ही इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर का विषय है उतना ही इम्पोर्टेंट आतंकवाद भी है, और जब भी आतंकवाद का जब मामला जब आता है सामने तो जम्मू कश्मीर भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद पिछले 2.5 साल की हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। आतंकवाद हिंदुस्तान में उस वक्त से जन्म ले चुका है जिस वक्त से हमारे पड़ोसी देशों ने हमारे मुल्क में कोहराम मचाने के अपने नापाक इरादों को पूरा करना शुरू किया है। पिछले प्रधानमंत्री, उससे पिछले प्रधानमंत्री, फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी की कोशिश रही है और उसी एक उम्मीद और उसी एक जज्बे को लेकर हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आतंकवाद के लिए वो कुछ भी कर रहे हो तो ये चुनी हुई सरकार है, मैक्सिमम मेजोरिटी है, और चुनी हुई सरकार और मैक्सिमम मेजोरिटी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर तुम हमारी हिफाजत की दीवार से और भी मज़बूत दीवार बनाने का दावा कर रहे हो तो कम से कम हमें भी तो दिखना चाहिए कि दीवार छोटी हो गई कि दीवार बड़ी हो गई। अच्छा, अगर हम कैंपेन की बात करें, जिस तरीके से नॉट ऑन माई नेम का जो कैंपेन की जो शुरुआत हो रही है सोशल साइट्स पे, जिस तरीके से लगातार यह कैंपेन जो है वो जारी है, क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है यह मुल्क के लिए? कोई भी इंसान अपनी जगह बैठकर, चाहे वो कलम से हो, चाहे वो जबान से हो, चाहे वो एक्ट से हो, चाहे वो धरना पे बैठ के हो, चाहे वो रोड पे दौड़ के हो, चाहे वो रैली में शिरकत करके हो, चाहे वो आवाज़ उठा के हो, और चाहे खामोश खड़े हो के एक तख्ती लेकर हो, कोई भी इंसान अगर उसकी नीयत ये है कि हिंदुस्तान में अमन और शांति हो, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई भी कदम नहीं हो सकता। और कोई भी इंसान चाहे जितनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हो, अगर उसकी नीयत ये है कि हिंदुस्तान में कोहराम मच जाए, उसकी नीयत ये है कि हिंदुस्तान में फसाद फैल जाए, तो मुझे लगता है हमें उसकी पोजीशन नहीं देखना चाहिए, उसका पावर नहीं देखना चाहिए, उसके खिलाफ रास्ते पर आना चाहिए। इंडिया सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरा हो चुका है। इससे पहले अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पर यूपीए की हुकूमत थी, क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, मैं सियासत और सियासत मदार में कभी कोई फ़र्क नहीं देखता। मैं पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तरीके और नज़रिए से देखता हूँ। एक आम मुसलमान के नज़रिए में और मेरे में एक फ़र्क आएगा। आप मुझसे रात को पूछें या दिन को कि ये येलो कलर है या ब्लैक है, तो अगर ब्लैक होगा तो मैं ब्लैक कहूँगा और येलो होगा तो मैं येलो कहूँगा, मेरे जवाब नहीं बदलेंगे। सो कुर्सियाँ वही हैं, उन पे बैठने वाले बदले हैं, और बैठने वाले जब बदलते हैं तो वो कुर्सी पे बैठने की तहजीब नहीं भूलते। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे दूं, आप मेरी बात समझ जाएंगी। आप पहली बार जहाज़ में बैठी हों या आप हज़ार बार जहाज़ में बैठी हों, आपकी चेयर छोड़ने के बाद कोई दूसरा आपकी चेयर पर बैठे, सीट बेल्ट सब बांधते हैं। तो सियासत की कुर्सी पर बैठने के बाद सीट बेल्ट बांधने का तरीका सबका एक होता है, चाहे आप पसंद करते हों और चाहे आप पसंद ना करते हों। यूपीए और एनडीए में घटनाओं का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, ये भी फ़र्क हो सकता है कि किसी चीज़ को दबाया जा रहा है और किसी चीज़ को उभारा जा रहा है, मैनिफेस्टो का भी फ़र्क हो सकता है, सियासत का कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि सियासत अगर ऐसी ना होती जैसी है तो फिर पार्टियां ही ना बदलती। पार्टियों का बदलना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं सियासत के रास्ते पर चलने वाले अपने वचनों को भूल जाते हैं, जिनको सबक सिखाने के लिए लोग पार्टियां बदल देते हैं। देखा जाए जो मौलवी होते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं,
मुसलमान भी जो होते हैं वो मौलवी के कहे हुए बातों पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर वो चलते हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, मुसलमान से जुड़े हुए जो घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप मुसलमान लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले आपके टेलीविज़न के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस ज़रिए से, इस हवाले से, अब इस प्रोग्राम के देखने वाले सभी नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करते हुए, कि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क की खिदमत हमारे लिए इबादत है, इस मुल्क की मिट्टी हमारे लिए बहुत मुक़दस है, इस मुल्क ने जो जो रिश्ते हमें दिए हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस के हों, हमसाए के हों, शहरियों के हों, हमारे हम वतनियों के हों, सब की इज़्ज़त हमारे लिए खूबसूरत है। मैं यही जवानों से उम्मीद करता हूँ। फ़ारसी में एक बहुत अच्छा शेर है, अतरान नीस के बेगुयत, अतरान अस के बेबुयत, खुशबू वो नहीं होती जिसे कहना पड़े कि वो खुशबू है, खुशबू वो होती है जिसके गुज़रने के बाद लोग कहें क्या खुशबू है। तो ऐसी ज़िंदगी जियो इस मुल्क में कि तुम्हें बताना नहीं पड़े कि तुम कौन हो, बल्कि लोग कहें फलां जा रहा है। जी वाकई देखा जाए तो यह मुल्क हमारा है, यहाँ पे कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान से देखना चाहिए। और हम राजनीति दलों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी इंसान की इंसानियत को बांटने की वो कोशिश ना करें, सबको एक नज़र से देखें और सबका ही विकास वो ज़रूर करें और अपने वादों को खास तौर पर ना भूलें। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, हम दोबारा हाजिर होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।